आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पीपीगंज थाना क्षेत्र के कुदरिया बंधे पर मिली चिलुआ ताल के युवक की लाश, हत्या की आशंका। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। अपर जिलाधिकारी फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के सभी आरओ एआरओ का प्रशिक्षण कार्यशाला। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीजी वुमेन पावर लाइन नीरा रावत ने किया सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे समाजवादी प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, पंचायत चुनाव की बनाई रणनीति। बाबा योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का डीएम व नगर विधायक ने किया निरीक्षण, कार्यों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पीसीपीएनडीटी एक्ट संबंधी कार्यशाला का हुआ आयोजन। एडी हेल्थ ने कहा भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण है दंडनीय अपराध, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सजा एवं जुर्माना का भी है प्राविधान। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव का हुआ समापन। अंतिम दिन वॉलीबॉल, कुश्ती तथा हॉकी का खेला गया फाइनल मैच, विजयी खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। गोरखपुर में बुधवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,512। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 32 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद को जल भराव से मुक्त कराने के लिए मेसर्स जियोनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए ड्रेनेज मास्टर प्लान संबंधित कार्यशाला, जल भराव से मुक्ति की बनी रणनीति। जनपद के 11 विकास खंडों पर आयोजित हुआ प्रेरणा ज्ञानोत्सव संगोष्ठी, शिक्षा के प्रति छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बना समन्वय, गुणवत्ता पूर्वक होगी पढ़ाई। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा संचालित साहित्य परिषद के व्याख्यान का किया गया आयोजन, छात्रों ने प्रस्तुत किए अपने अपने व्याख्यान। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने 2 महीने के मानदेय तथा समायोजित करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की मांग।